ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द एलिजाबेथन प्रोज एंड एलिजाबेथन ड्रामा टेस्ट एंड एलिजाबेथन पोइट्स एंड पोइट्री एंड प्रोज एंड ड्रामास। सो फर्स्ट थिंग इज दैट के एलिजाबेथन एज जो है वो स्टार्ट हुई थी राउंड अबाउट 1582 1603 1568 58। सो एलिजाबेथन एज बेसिकली अगर देखा जाए तो क्वीन एलिजाबेथ वन की जो है वो एज है, जो कि हेनरी एट्थ की बेटी थी एंड शी वाज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ एलिजाबेथन एज, स्पेशली पीस एंड मेकिंग द पोइट्री एंड एनी ऑफ अदर थिंग्स। शी आल्सो मेड द स्कूल्स कॉलेजेस एंड लॉट्स ऑफ थिएटर्स एंड शी ऑलरेडी हैड बीन वर्कड फॉर द ड्रामाज एंड पोइट्रीज एंड एनी ऑफ अदर्स जस्ट सेपरेटेड टू मेंटेन द पीस। अगर देखा जाए तो मिडिल एज में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो जहालत बहुत ज़्यादा रही थी, बैकवर्ड्स थी। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि डार्क एज कहलाई जाती है पेट्रार्च के कहलाने से। तो अगर देखा जाए तो मिडिवल जो एलिजाबेथन जो पोइट्री एलिजाबेथन के जो पोइट हैं, जो पोइट्री है और प्रोज है, एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो इटालियन पोइट्री से जो है इसकी शुरुआत हुई है, और जो पोइट थे ग्रीक और रोमन दौर के जो अगर बात की जाए तो ओमर था, अरिस्टोटल था, प्लेटो था। तो जो इटालियन जो पोइट थे, जो इटालियन थे यानी कि मिडिवल के और बेसिक्स रेनेसां के, यानी कि पेट्रार्क हो गया, ठीक है, डांटे हो गया, ठीक है, और जॉन लिली, थॉमस किड वगैरह, ठीक है, शेक्सपियर, मार्लो, या जो है पेट्रार्क और डांटे जो है ख़ास तौर पर जो मिडिवल के, ये लोग अरिस्टोटल, प्लेटो और अमर से इम्प्रेस थे। और जो एलिजाबेथन एज के जो पोइट हैं जैसे थॉमस नॉर्टन हो गया, विलियम शेक्सपियर हो गया, फिलिप सिडनी हो गया, फ्रांसिस बेकन हो गया, ठीक है, उस जो है शेक्सपियर हो गया, मार्लो हो गया, जॉन लिली हो गया, थॉमस किड हो गया, तो ये लोग जो है वो इटालियन पोइट से बहुत ज़्यादा जो है मुतासर थे। और इसी वजह से जो है ये सारे जो है ना ख़ास तौर पर मिडिवल एज तो डार्क एज इस वजह से भी कहलाई जाती है कि इसके अंदर जो है पोप थे, ठीक है, क्रिश्चियनिटी थी, और क्रिश्चियनिटी की वजह से जो है मज़हब के नाम पर कई कत्ल वगारत हुई और मज़हब के नाम पर कई इलीगल जो है वो रूमर्स चलाई गई। लेकिन अगर देखा जाए एलिजाबेथन एज के पोइट्रीज और ड्रामा की, तो ये लोग इम्प्रेस थे किससे जी, पेट्रार्क से, डांटे से, और जो है वो लोग इम्प्रेस थे अरिस्टोटल, प्लेटो और अमर वगैरह से। और इसके अंदर जो है एक और चीज़ के इनकी जो पोइट्री है और प्रोज है उसके अंदर जो है रेनेसां दौर की एक झलक दिखाई देती है हमें, और रेनेसां दौर की झलक थोड़ी भी नहीं, बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, ख़ास तौर पर जब हम इनके काम देखते हैं, जब इनके जो है वो काम जो है वो इनके जो ख़ास तौर पर जो काम जो है हम पढ़ते हैं और देखते हैं। तो अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पर जो है स्पेंसर के जो है, या जो है दूसरे जो है राइटर्स हैं उनके काम, ठीक है, ख़ास तौर पर जो है रेनेसां की जो है ना एक स्पिरिट दिखाई दी थी, ख़ास तौर पर स्पेंसर का जो काम है एब्लेंड ऑफ करेक्टरिस्टिक्स जो है दिखाई दी थी उसकी, मिडिवल एज की और रेनेसां की। और इसके अंदर एक और चीज़ इनके ड्रामास में जो है, इनकी जो है प्रोज में है कि एलिगोरी बहुत ज़्यादा है, यानी कि कहानी के अंदर कहानी बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है, और जो है शेक्सपियर के अगर ड्रामा देखे जाएँ तो जो है उसके अंदर भी ऐसा ही है, ठीक है,
और एलिगोरी मतलब जो है कि जैसे फॉर एग्जांपल गुलीवर ट्रेवल है, तो उसके अंदर भी जो है कई स्टोरियां हैं, ठीक है। एक गुली ट्रेवल ट्रेवल के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल जो है सिर्फ कहानी की, अगर कहानी के अंदर कहानी की जो है अगर एलिगोरिकल एलिमेंट्स देखा जाए, तो जैसे जॉफरी चौसर की है जी, ठीक है, कैंटरबरी टेल है एक जो है उस चल रही है, और उसके अंदर कई सारी जो है वो कहानियाँ चल रही होती हैं, ठीक है। कहानी के अंदर कहानी और एक डेप्थ कहानी कहीं और है पीछे उसकी, ठीक है। सो दैट्स वर्क एंड नाउ अब हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट वर्क डिस्कस करेंगे जो कि एलिजाबेथन एज के। अच्छा, इसकी एक और बहुत बड़ी खासियत है कि इसके अंदर यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जो है ग्रुप था, जिसके अंदर जॉन लेली, थॉमस किड, जॉर्ज पेल, थॉमस लेज, ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस नैश था, ठीक है। ये लोग बड़े बड़े जो है यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और बेहतरीन जो है वो जिसे कहते हैं ना मास्टरपीस लिखने वाले लोग थे, ठीक है। और इनके कामों में एक स्पिरिट, एक ख़ास तौर पर जीती जागती जो है स्पिरिट दिखती थी, ख़ास तौर पर जो है अगर हम जो है इसके बारे में बात करें, डॉक्टर फॉस्टर्स के काम के बारे में बात करें, उसका जो किरदार है, ठीक है, मार्लो का जो किरदार जो है काम है डॉक्टर फॉस्टर्स, ठीक है, उसके अंदर जो किरदार है, ठीक है, प्रोफेसर और सैटन का, ठीक है, और लस्ट ऑफ लव, लस्ट ऑफ नॉलेज, लस्ट ऑफ ब्यूटी, ठीक है, लस्ट ऑफ पावर, लस्ट ऑफ मनी, ठीक है, उसके अंदर जो है अगर शेक्सपियर का देखें तो शेक्सपियर का टेम्पेस्ट है, ठीक है, टेम्पेस्ट के अंदर अगर आप देखें तो जो है उसके अंदर भी यही है कि जो है लस्ट ऑफ नॉलेज है, किंग लियर है, ठीक है, ओथेलो देखें, हेमलेट देखें, ठीक है। तो एक वाज़े तौर पर हमें पिक्चर नज़र आती है उनके कामों के अंदर जो है किसकी जी, जो है मॉडर्न स्पिरिट की, रेनाइसा की, यानी कि एलिजाबेथन एज की, ठीक है, रेनाइसा की। अगर जो एडमंड स्पेंसर का काम देखा जाए, फेरी क्वीन है, ठीक है, उसके अंदर भी एक वाज़े तौर पर जो है वो नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, अब इनका हम काम देखते हैं जी, ख़ास तौर पर जो है इनका इम्पोर्टेंट वर्क्स, ठीक है, ख़ास तौर पर पोएट्री, प्रोज एंड ड्रामा, ड्रामा राइटर्स के हवाले से, ठीक है। और ड्रामे, इनके ड्रामास के अंदर भी जो है ना एक वाकई तौर पर एक मिथ मिथोलॉजी होती थी, ठीक है, एक मिथ होती थी, स्टोरीज के अंदर स्टोरी चल रही होती थी। अच्छा, इसको जो है ना हमने तीन हिस्सों पे डिवाइड किया है, ठीक है, और तीन हिस्सों पे जो है डिवाइड इस वजह से किया है कि पोइट्री भी डिस्कस हो रही है, ठीक है। अच्छा, पोइट्री, प्रोज और ड्रामा तीनों चीज़ें जो है वो डिस्कस हो रही हैं। अच्छा जी, पोइट्री राइटर्स को सबसे पहले जो है हम देखते हैं जी, पोइट्री राइटर्स जी एडमंड स्पेंसर, ठीक है, और ये जो फेरी क्वीन है इसका इसने तकरीबन 1589 टू 1595 में लिखा है, ठीक है, और एक बेहतरीन किस्म का जो है शाहकार है इसका, और मतलब जो कि एलिगोरी स्टाइल में लिखा है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिया है कि एलिगोरी स्टाइल क्या होता है, कि कहानी के अंदर जो है कहानी चलती है, द क्वे फेरी क्वीन एलिजबेथ, ठीक है, फेरी क्वीन एलिजबेथ जो है स्पेंसर जो है। अब ये देखें इसमें अंदर जो है, अब इसने कितनी लाइंस यूज़ की हैं जी, तकरीबन 9 लाइंस है स्टेंजा की, ठीक है, जो कि जो है एक स्पेंसरियन जो है स्टेंजा भी कहा जाता है, ठीक है, जिसको मतलब क्योंकि इसने ये स्पेंसर ने ही स्टार्ट की थी, इस वजह से इसको जो है एमोरेटी एमोरेटी जो है एमोरेटी भी इसने लिखी है, ठीक है, जो कि 1595 में लिखी है, ठीक है, जो कि एक बेहतरीन सोनेट है, ठीक है, सोनेट्स ऑफ लव एंड एंथुजियम, ठीक है, तो जो कि एक ओड भी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो स्पेंसर जो है ना हाइम्स ऑफ ऑनर एंड लव ऑफ ब्यूटीज़ भी इसी ने लिखी है, ठीक है, फोर्थ और ये इसकी बेहतरीन एक फ़िलासफ़ी भी समझी जाती है उस टाइम के अंदर, ठीक है। उसके बाद शेफर्ड्स कैलेंडर है, ठीक है, शेफर्ड्स कैलेंडर जो है ये इसने तकरीबन कोई 1579 में लिखी है, ठीक है, और ये भी एक एलेगोरिकली एलिमेंट है, पोइट्री है, ठीक है, और पोइट्री के अंदर पोइट्री जैसे जो है जॉफरी चौसर वगैरह देखें, ठीक है। उसके बाद एक और है जी सर फिलिप सिडनी, ठीक है, और ये भी एक बेहतरीन स्कॉलर था, ठीक है, नाइट भी था, कोर्टियर भी था, ठीक है, कोर्टियर जैसे जो है फॉर एग्जांपल हमने देखा था जो है शेक्सपियर के बारे में जब हमने पढ़ा था, ठीक है, या जो है हमने जॉफरी चौसर के बारे में पढ़ा था कि वो भी कोर्टियर था, ठीक है, कोर्ट के काम वो बहुत ज़्यादा करीब था वो भी, ठीक है, और उनके काम किया करता था। तो इसका जो है इसका जो अर्केडिया भी एक काम है जो कि 1580 के अंदर जो है पब्लिश हुआ, राइट,
रेट के, और ये एक ब्लेंड ऑफ स्कॉलर टू हीरोइक एलिमेंट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। रोमेंस, एक रोमांटिक पोइम जिसे कहते हैं, ठीक है, अपोलॉजीज फॉर पोइट्री जो है, ये भी एक जो है ज़बरदस्त काम है इसका, जो कि 1595 के अंदर जो है रिटर्न किया गया। अच्छा, ये अपोलॉजी, अच्छा बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारे राइटर्स जो है ना अपोलॉजीज ऑफ पोइट्री या डिफेंड ऑफ पोइट्री लिखते हैं। तो ये हुआ बेसिकली ये था कि पोइट्री जो है, बेसिकली जो है कुछ राइटर्स ने सबसे पहले कहा था कि पोइट्री इज़ ए इमिटेशंस, ठीक है, इमिटेशन थ्योरी तो आपने पढ़ी होगी एरिस्टोटल की, ठीक है, कि जो है ये इस वजह से है कि कुछ राइटर्स ने जो है, प्लेटो ने या कुछ राइटर्स ने ऐसे कहा था कि ये जो पोइट हैं, जो जो राइटर हैं, जो प्रोज राइटर हैं, ये सारे इमिटेटर हैं, नकाल हैं, ठीक है, ये जो है कुदरत की नकल करते हैं और जनाब जो है ना ये होते हैं, ठीक है, ये यानी कि जो है उन्होंने कहा था कि जो आइडिया ही सम थे, आइडिया ही बेहतर है, ठीक है, और क्या दूसरे ने कहा था कि भाई नहीं, रियलिटी बेहतर है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि पोइट्री, अपोलॉजी ऑफ पोइट्रीज इस वजह से लिखी गई थी कि पोइट्री को डिफेंड किया गया था, ठीक है, क्योंकि ये लोग कहते थे, राइटर्स ये समझते हैं कि भाई ठीक है, हमने जो है डिफेंड किया, हमने जो है वो नकल की है, लेकिन हम जो है कुदरत को अपने अल्फाज में लिखते हैं, ठीक है, अपने अल्फाज के, ना पोइट्री की डेफिनेशन भी यही है कि इट्स द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ योर इमोशंस, योर थाट्स, योर फीलिंग्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई नहीं, बेशक जो है हम नकल करते हैं, लेकिन हम अपने अंदाज में, अपने ख्याल में कुदरत को लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक जो है वो नहीं है, यानी कि हर राइटर्स ने जो है ना वो अलग अलग जो है वो की। अच्छा, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट राइटर्स और वर्क जॉन लिली है, ठीक है, इसकी जो है ये तकरीबन 1554 टू 1606 की जो है, जॉन लिली भी जो है ना, इसने भी मतलब जो है बड़े किस्म के जो है इंथुजियज़म किस्म के जो है वो स्टाइल जो है उसने किए, और जो इनका जो है एम्फ्यूज था, एनाटॉमी ऑफ विट था, ठीक है, इसने लिखा था 1579 में, ठीक है। उसके बाद बिन जॉनसन है, ठीक है, बिन जॉनसन भी जो है एक बेहतरीन ह्यूमनिटिस्ट था, ठीक है, अपनी एज का बेहतरीन जो है ह्यूमनिज्म के ऊपर बात किया करता था, मॉडर्न एज के ऊपर बात किया करता था, इंसान के मफाद के लिए बात किया, इंसान की पॉजिटिविटी के लिए बात किया करता था, ठीक है। इसकी भी जो एपिग्राम्स ऑफ द फॉरेस्ट है, ठीक है, ये इसने 1660 में लिखी थी, और अंडरवुड्स है, ठीक है, ये भी इसने 1640 में लिखी थी, और बेहतरीन काम है जो कि जो है ह्यूमनिज्म को, रिनाइसा को, एक नई स्पिरिट को, एक जो है लर्निंग प्रोसेस को जो है ना वो करते हुए। उसके बाद अगर इसका प्रोज का काम देखा जाए, ठीक है, प्रोज इम्पोर्टेंट राइटिंग्स एंड वर्क्स, अगर प्रोज का इनका काम देखा जाए तो रॉबर्ट ग्रीन है, ठीक है, जो कि इसने मेमिलिया एंड मेनोफन लिखी है, ठीक है। उसके बाद थॉमस स्लेज है, ठीक है, थॉमस नैश है, थॉमस स्लेज ने जो है वो इसने बहुत ज़्यादा जो है इंफ्यूज गोल्डन लेजसी है, ठीक है, ये इसने लिखी है 1590 में। उसके बाद अगर देखा जाए तो तकरीबन जो है ना उसने, क्या नाम है, स्पेंसर ने ना, बेसिकली अगर देखा जाए तो स्पेंसर ने, अगर पीछे देखा जाए तो स्पेंसर ने, मुझे याद आ गया कि स्पेंसर ने जो है ना एक जो है एलिजी भी लिखी थी, जो कि सिडनी की डेथ के लिए लिखी थी, ठीक है, उसका जो है अब मुझे काम याद नहीं आ रहा कि वो कौन सा जो है एलिजी थी, ठीक है, हाँ सॉरी, शेपर्ड्स, शेपर्ड्स थी, हाँ ठीक है, एस्ट्रोफाइट्स शेपर्ड्स थी मेरे ख्याल से। अच्छा, उसके बाद थॉमस नैश है, ठीक है, इसने पॉम्फलेट लिखे थे जो कि एक फ़नी और कॉमेडी, ठीक है, कॉमिक्स प्ले जिसे कहते हैं, ठीक है, वो भी प्रोज के अंदर। उसके बाद रिचर्ड हॉकर है, ठीक है, इसका जो है पॉम्फलेट है, ठीक है, वो भी एक मतलब जो है ऑफ द लॉ ऑफ एलिस्टिकल पॉलिटी, ठीक है, 1594 में इसने लिखी थी, और एक बेहतरीन मास्टरपीस था प्रो का, अगर इसके रिचर्ड के, रसल्स के देखे जाएँ, बैकन्स के देखे जाएँ, तो एक बेहतरीन शाहकार मिलते हैं हमें प्रोज़ के अंदर और पोइट्री के अंदर। उसके बाद फ्रांसिस बेकन जो है एक इंतहाई लर्निंग एटीट्यूड वाला पर्सन, ठीक है, इसके जितने भी ऐसे पढ़े जाएँ तो आपको कम से कम जो है वो हर ऐसे में से कोई ना कोई चीज़ जो है वो ऐसी मिलेगी कि जो मतलब जो है जो कि आपने पहले जो है वो कभी भी नहीं देखी हुई या नहीं सुनी होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
अगर देखा जाए इसी के ऐसे ऑफ ट्रेंड ऑफ स्टडी के देखे जाएं, या उसके जो है दूसरे जो है अगर देखे जाएं मुख्तलिफ इसके जो एपिग्राम स्टाइल्स, इसने भी जो है वो इस्तेमाल किया, एलिगोरी कभी कभार ये भी इस्तेमाल किया करता था, ठीक है, प्रोज के अंदर भी। अच्छा, उसके बाद जो है ड्रामा राइटर्स का अगर देखा जाए, ड्रामा की स्पेशली तौर पर ड्रामा राइटर्स के अंदर अगर इसको देखा जाए एलिजाबेथन एज के ड्रामा वर्क को, तो ड्रामा राइटर्स के अंदर जो है ना तकरीबन जो है वो इंतहाई शाहकार एक ही शख्स रहा है, वो विलियम शेक्सपियर, ठीक है। इसने जो है ट्रेजिक कॉमेडी भी लिखी है, इसने ट्रेजिडी भी लिखी है, इसने हिस्टोरिकल ड्रामा भी लिखे हैं, इसने रोमांटिक लिखा है, कॉमेडी लिखी है, एरर्स ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स भी लिखे हैं, ठीक है, फेयर्स लिखे हैं, प्रिस्टोरल और इसी बेताशा किस्म के इसने शाहकार लिखे हैं, ठीक है। और ये भी मतलब एक बेहतरीन इम्पोर्टेंट जो है, कभी कभार तो जो है अक्सर लोग जो है एलिजाबेथन एज को नहीं समझते, बल्कि वो कहते हैं कि भाई ये है ही शेक्सपियरियन एज है, ठीक है। तो इसने तकरीबन जो है ना कोई 37 के राउंड अबाउट प्लेज लिखे हैं, और सोनेट्स जो है इसने तकरीबन 154 के राउंड अबाउट लिखी हैं, ठीक है। और अक्सर खरात मतलब जो है वो लोग कहते हैं शेक्सपियर वाज नॉट एन एज बट इट्स ऑल टाइम्स, कि शेक्सपियर सिर्फ एक एज का टाइम नहीं है, जब तक इंग्लिश रहेगी तब तक शेक्सपियर का नाम रहेगा। और यकीन जाने आज के दौर में, और शेक्सपियर का दौर देखें, और आज कितने 100 सालों के बाद, 4, 5, 6, 700 सालों के बाद भी जो है वो अगर देखा जाए आज, तो आज जो है वो मतलब जो है 5, 600 सालों के बाद भी आज तकरीबन जब तक हम शेक्सपियर को नहीं पढ़ते हमारे बच्चे, तो उनकी मास्टर या जो है ग्रेजुएशन या जो है उनके मैट्रिक या उनके जो है BA या उनके जो है MPhil या MS या उनकी PhDs जो है मुकम्मल नहीं होती, ठीक है। और अच्छा ये क्या किसने कहा था, रॉड बिन जॉनसन अबाउट शेक्सपियर, ये बिन जॉनसन ने जो है वो शेक्सपियर के बारे में कहा था, ठीक है। ये तकरीबन वो कहते हैं कि पोइट्स आर बर्न नॉट मेड, ठीक है, पोइट्स पैदा होते हैं बल्कि बने बनाए जो है वो नहीं जाते। अच्छा, शेक्सपियर इन हिज प्लेस यूजेस प्रोज एंड ब्लैंक वर्ड्स फॉर्म, ठीक है। अब ये भी एक क्योंकि ये अपनी ख़ास तौर पर प्रोज के अंदर जो है ना वो ब्लैंक वर्ड्स और जो है वो प्रोज राइटिंग करता था, ठीक है। शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस जो है, ठीक है, ओके, 1596-1595 में, ठीक है। उसके बाद शेक्सपियर कॉमेडीज कर दी जाए तो एज यू लाइक इट 1600 में था, ठीक है, द मर्चेंट्स ऑफ द वेनिस 1596 में था, ट्वेल्थ नाइट 1596 में था, ठीक है। उसके बाद इसके जो समर ड्रीम्स या फेरी प्लेज थे, ठीक है, या जैसे फॉर एग्जांपल रोमियो जूलियट है, ठीक है, और ये एक ट्रेजिक कॉमेडी भी है, ठीक है। उसके बाद हेमलेट, ठीक है, एक बेहतरीन फेमस वर्क है, ये भी एक ट्रेजेडी है, ठीक है। ओथेलो एक इसकी जो है वो ट्रेजेडी थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, ठीक है। टेम्पेस्ट जो कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर, ये भी एक जो है प्ले था इसका। उसके बाद एक और शाहकार इसी दौर का जी, क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है, इसका जो है टम्बरलाइन द ग्रेट, ठीक है, 1587 में लिखा गया, ठीक है। और डॉक्टर फॉस्टर्स जो कि बेताशा मशहूर कुन है, कि जब तक बच्चे जो है डॉक्टर फास्टर्स को ना पढ़ें ग्रेजुएशन मास्टर MPhil के अंदर लिटरेचर के अंदर नॉट लिंग्विस्टिक्स, तो तब तक जो है उनके जो है वो डिग्री कंप्लीट नहीं होती। 1592 में इसने लिखा था, ठीक है, डॉक्टर फास्टर्स, ठीक है। ये भी एक एलेगोरी था, ठीक है, रेनाइसा लॉ एंड पावर जो है इसके अंदर नज़र आती है, इसके किरदार के अंदर, के एक इंसान जो है वो अपने दीन को, अपने मज़हब को, अपने सब चीज़ों को छोड़ देता है, ठीक है, रेनाइसा का किरदार है वो, और वो लस्ट ऑफ ब्यूटी, लस्ट ऑफ पावर की तरफ वो चला जाता है, ठीक है। और फिर जो है वो एटलीस्ट उसका जो है वो अंजाम जो भी होता है। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए तो मार्लो ने जो एक और लिखा है जियो ऑफ माल्टा, ठीक है, हिस्टोरिकल प्ले Edward II, ठीक है। और इसने भी जो है तकरीबन अपने जो है उसके काम के अंदर जो है वो ब्लैंक वर्सेस इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। सो दैट्स आई होप सो कि ये एक लेक्चर जो है वो तीनों टॉपिक्स जो है वो क्लियर करता है, एलिजाबेथन पोइट्री, एलिजाबेथन प्रोज एंड एलिजाबेथन ड्रामा को।